Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Dr. Seema Parikh. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लिजार्ड एंड स्नेक. लिजार्ड और स्नेक दोनों सब ऑर्डर में इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है. लिजार्ड का सब ऑर्डर लेसर टीलिया, स्नेक का सब ऑर्डर ऑफिजिया. बॉडी की हम जब बात करते हैं तो बॉडी इसकी डिप्रेस्ड होती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी बॉडी पूरी तरह से दबी हुई होती है, जबकि स्नेक की जो बॉडी होती है वह सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होती है. यानी कि आप दिखाई दे रहे हैं कितना एकदम से इसमें सर्किल बना हुआ बैठा है ये, तो इसकी बॉडी पूरी कैसी है, बेलनाकार शेप में है. थर्ड पार्ट है इसका, नेक इज डिस्टिंक्ट यानी कि जो गर्दन का जो पार्ट है वो अलग से दिखाई देता है, जबकि स्नेक में ये वाला जो नेक का पार्ट है वो अलग से सेपरेट या अलग से दिखाई नहीं देता है. फोर्थ पॉइंट है, लिम्स आर यूजुअली प्रेजेंट. लिम्स के अंदर हम हाथ या पैरों को इंक्लूड करते हैं, तो लिजार्ड्स में लिम्स जो होते हैं वो अच्छे से प्रेजेंट होते हैं. ये फोर लिम्स है, ये हाइंड लिम्स है, जबकि स्नेक्स लिम्बलेस होता है यानी कि जिसमें लिम्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, द कवरिंग स्केल्स आर यूजुअली सिमिलर या यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं इनको, कि जो इसके बॉडी पर स्केल्स या शल्क पाए जाते हैं वो एक जैसे आकृति के होते हैं, या यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं इनको, जबकि स्नेक्स में जो शल्क पाए जाते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं शील्ड में एंड प्लेट्स में. मतलब कि यह है कि जो उसके हेड रीजन्स पे जो शल्क पाए जाते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और उसके बाद के जो बॉडी के जो शल्क होते हैं वो अलग टाइप के दूसरे सिमेट्रिकल या प्लेट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, माउथ की बात करें हम, कि जो माउथ होता है उसमें इनके जो जबड़े होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जबकि स्नेक में जो जॉज होते हैं वो मूवेबल हो सकते हैं यानी कि उनको वो हिला सकता है जबड़ों को, और लिजार्ड्स में जो जॉज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं यानी कि उनको मूव नहीं करवा सकते. टंग्स की बात करें तो रेयरली बाइफिड यानी कि जो टंग्स होती है वो बाइफिड यानी कि द्विविभाजित मुश्किल से ही किसी किसी में पाई जाती है, बाकी नहीं पाई जाती है. और स्नेक में ऑलवेज बाइफिड होती है, या डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो इसकी टंग्स दिखाई गई है देखो आगे से द्विविभाजित यानी कि दो भागों में डिवाइडेड होती है. मिडल ईयर प्रेजेंट होता है, इसमें मिडल ईयर एंड ईयर पिट एब्सेंट होता है. ईयर पिट का मतलब होता है कान का जो गड्ढा या गर्त होता है उसे बोलते हैं, वो उसमें एब्सेंट होता है. और मिडल ईयर जिसमें जो बात करते हैं हम, उसमें मेनली जो ऑर्गन्स होता है वो टिम्पैनम होता है, तो हम केवल ये भी कह सकते हैं कि मिडल ईयर प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं कि टिम्पैनम प्रेजेंट होता है. आईलिड्स आर मूवेबल यानी कि जो पलकें होती है वो मूवेबल होती है यानी कि गतिशील होती है, पलकें गतिशील होती है, और इसमें आईलिड्स होती है वो एब्सेंट होती है. अगर किसी किसी रेप्टिलिया में प्रेजेंट भी या किसी किसी स्नेक में प्रेजेंट भी होती है तो वो गतिशील नहीं होती यानी कि इमूवेबल होती है. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और स्नेक में एब्सेंट. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसको हम थर्ड आईलिड भी बोलते हैं. ये क्या करती है कि जो जो आईज होती है वहां पर उसको मॉइस्चर करती है, या कुछ डिब्रिज या कचरा वगैरह आंखों में आ जाता है उसको साफ करने का भी काम करती है. तो ये लिजार्ड्स में तो प्रेजेंट होती है जबकि स्नेक्स में है एब्सेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट है, स्टर्नम प्रेजेंट. लिजार्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि स्टर्नम प्रेजेंट होता है. स्टर्नम यानी कि उरोस्थि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या चेस्ट बोन भी बोल सकते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहते हैं, और जो स्टर्नम है वो स्नेक में एब्सेंट होता है. बोथ लंग्स आर इक्वली डेवलप यानी कि लंग्स की बात करें तो दोनों फेफड़े होते हैं वो सामान्यतः एक साथ डेवलप्ड होते हैं, और स्नेक में लेफ्ट लंग इज ग्रेटली रिड्यूस यानी कि जो बायां फेफड़ा होता है वो कम विकसित होता है. नेक्स्ट है, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट. मूत्राशय उपस्थित होता है जबकि स्नेक में एब्सेंट होता है. वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर रज्जु यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से ये आवाज निकालते हैं, और इस तरह की जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो स्नेक में एब्सेंट होते हैं. टेल में शो ऑटोटॉमी
आपने भी देखा होगा कि घरों में जब हम छिपकली को भगाते हैं करते हैं तो वो अपनी टेल्स का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको सेपरेट कर देती है, यानी कि अपनी इच्छा से अपने को बचाने के लिए जिस अंग को हटाया जाए या स्वविच्छेदन किया जाए वह प्रोसेस कहलाता है ऑटोटॉमी। जबकि इस तरह का जो ऑटोटॉमी वाला प्रोसेस है वो सांपों में या स्नेक्स में नहीं पाया जाता है। मछलियों का जो अध्ययन होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड वो सोरोलॉजी कहलाता है, और स्नेक की जो स्टडी है वो सरपेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें ड्रैको है, हेमिडेक्टाइलस, जो हमारे घरों में छिपकली पाई जाती है वो हेमिडेक्टाइलस होती है, कैमिलियन एक्सेट्रा। स्नेक्स में वाइपर, कोबरा, पाइथन एक्सेट्रा, तो ये हमारे डिफरेंस हुए लिजार्ड में और स्नेक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू एवरीवन।